किलो आम की अंबिया है कटी हुई, कच्चा आम 1 किलो कटा हुआ है। आप ना साइज अपनी इच्छा अनुसार काटिए, छोटा रखना चाहे छोटा, या ये सही है। इसमें हमने थोड़ा नमक डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, लाल मिर्ची टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, नमक हम इसमें 50 ग्राम डालेंगे, 1 किलो के पीछे ना 50 ग्राम नमक डलता है। और हम डालेंगे इसमें मेथी दरदरी की हुई है ये देखिए, और थोड़ी सी ना आधा चम्मच हम कलौंजी डालेंगे, सौंफ डाल दी, सौंफ और मेथी दोनों या ना हम लगभग 20-20 ग्राम डालेंगे इसमें। मसाला इससे ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं। ये जो अचार है ना, इसको कोई मसाला नहीं भूनना, कोई कुछ नहीं करना, हमने सीधा बस ये तैयार है। और इसमें डालेंगे हम तेल, आधा कप हमने तेल डाला, और ये 1 टेबलस्पून ना पीसी हुई राई, येलो राई डाल रही हूँ मैं इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। शीशे के जार में ना हम इस अचार को डाल देते हैं। बहुत ही तुरत फुरत वाला अचार है ये। इस अचार को हमेशा दबा दबा के डाला जाएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, दबाने के बाद बिना ऊपर तक रह रही है अंबिया, और ये थोड़ा सा अचार हमारा रह गया है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कि फिर हम इसको फिर से दबा देंगे और बाकी बची हुई जगह में ये अचार और डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कल है ना ये अचार इस जार में पूरा ही नहीं आ रहा था, हमें 2 बार में इस अचार को सेट करना पड़ा था, और आज दबाने पर काफी नीचे चला गया है। और इसमें जो तेल है ना, ये देखिए जरा, ये जो तेल है ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसमें खास बात जो है ना वो ये है कि मेरे बनाए हुए अचार में ज्यादा तेल तो होता ही नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही जल्दी बनने वाला, फटाफट हमने अंबिया काटी और सारे मसाले मिक्स किए और जार में भर दिया। लेकिन जार में जो हमने भरा है ना, उसे दबा दबा के भरा है। ये मेरी एक खास टिप है कि अचार को ना बिल्कुल दबा दबा के भर दो तो उसमें ज्यादा तेल की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ये क्योंकि बिल्कुल कच्ची अंबियों का अचार है, इसे हम धूप में पकाएंगे, लगभग 10-12 दिन है ना धूप में ही रहने देंगे इस अचार को, बीच बीच में 3-4 दिन से इसको दबाते रहेंगे, और ये जो हमारा तेल है ना ये ऊपर आता रहेगा। तो ये जब आज अचार बनाओगे ना, इसका बिल्कुल ही अलग टेस्ट होगा, अलग फ्रेग्रेंस होगी धूप की वजह से। तो ये अचार और वो अचार और वो अचार, मिक्स वाला अचार, आप सबके लिए मैंने अचार ही अचार की रेसिपी बनाई है। आप बनाइएगा और अपना फीडबैक सभी अचार के बारे में मुझे जरूर से दीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप सबकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ।